रश्मि देसाई के बॉयफ्रेंड अरहान खान से इतने नाराज हो गए हैं सलमान खान की बेघर होने के बाद मिलने से ही कर दिया है इनकार। वेल दोस्तों, बिग बॉस की कुछ हटके न्यूज के लिए आपको करना होगा फिल्मी बीट को सब्सक्राइब और दबाना होगा घंटे का बटन ताकि मिल सके आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन। वेल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ही था कि बिग बॉस में अरहान खान की सच्चाई को सामने लेकर आए थे सलमान खान रश्मि देसाई के सामने। तो सलमान खान ने ही रश्मि देसाई को बताया था कि अरहान खान एक बच्चे के पिता है। रश्मि देसाई ये सुनकर अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाई थी और सलमान खान को उन्हें कंसोल करना पड़ा था। सलमान खान इस बात से काफी गुस्से में थे कि अरहान खान ने रश्मि देसाई से सच्चाई छुपाई थी। इतना ही नहीं, वो इस बात को लेकर भी अरहान से चिढ़े हुए थे। साथ ही वो अरहान खान से इतने चिढ़े हुए थे कि उन्होंने जो रश्मि देसाई के दिवालिया होने वाली बात नेशनल टेलीविजन पर बोली थी वो भी उन्हें हरगिज पसंद नहीं आई थी। सलमान खान का अरहान खान को लेकर गुस्सा उनके बेघर होने के बाद भी कम नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अरहान खान के बेघर होने के बाद भी उनसे मिलने के लिए सलमान खान ने इनकार कर दिया है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग आमतौर पर कंटेस्टेंट के बेघर होने के बाद सलमान खान उनसे मिलते हैं और कुछ सलाह देते हैं। कंटेस्टेंट घर में कुछ समय उनके साथ बिताते हैं और फिर वो वहां से जाते हैं। लेकिन जैसे ही अरहान खान बेघर हुए थे तो उनसे खफा सलमान खान ने मिलने से इनकार कर दिया था। पहले ये भी रिपोर्ट थी कि अरहान खान के घर से निकलने के बाद रश्मि के घर की चाबियां प्रोडक्शन टीम से मांगी गई थी और उन्होंने नहीं दी थी। हालांकि बिग बॉस 13 के वीकेंड के बाद में सलमान खान ने रश्मि देसाई को फटकार भी लगाई थी और कहा था कि वो शो को लेकर ये सोचनी है कि उनके साथ पार्शियलिटी की जा रही है, अगर ऐसा है तो वो शो से निकल जाए। सलमान खान ने दरवाजा भी खुलवा दिया था। वेल दोस्तों, क्या सलमान खान की नाराजगी कभी अरहान खान को लेकर कम हो पाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा और रश्मि के घर से बाहर जाने का इंतजार करना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।